तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम पेपर के फुल सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों मैं आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके कल के पेपर में अवश्य देने को मिलेगी। चलिए दोस्तों हम वीडियो को बनने के तरीके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो आप अच्छे से नकल मार ले रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से नकल मार रहे हो, पूरा पूरा टीक कर जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। यदि दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप ऐसी नकल नहीं देखते, ठीक है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, दोस्तों बोर्ड में जो पेपर आएंगे दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यदि दोस्तों आप हमारे भरोसे बैठे रहे ना, यदि दोस्तों आप बाकी यूट्यूबर भरोसे बैठे रहे ना, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आप सीधे सीधे क्यों आएंगे, फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम आपके जैसे पेपर होते दोस्तों आपके लिए लाइव क्लास चालू कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको अभी समझा रहा हूँ दोस्तों, उससे कई गुना अच्छा दोस्तों मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इन वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या, दोस्तों यू आर अंकित दुबे, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। एप्लीकेशन के अनुसार दोस्तों तुम्हारा नाम क्या है, अंकिता दुबे है। आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल MP, ठीक है, तुम याले स्कूल में क्लास 9th की स्टूडेंट हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिये दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पर किसके लिए, क्वेश्चन से पढ़ चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, आपको अपने प्रिंसिपल के लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, टू द प्रिंसिपल। अब आपको दोस्तों अपने स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल MP। दोस्तों आपको जस का तस वैसे लिख देना है, गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस कोमा नीचे से हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर कोमा नीचे से भोपाल MP, ठीक है। आप दोस्तों आप सब्जेक्ट डाल लेंगे दोस्तों, आप किस लिए लिख रहे हैं दोस्तों, आप लिख रहे हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू कराने के लिए। तो दोस्तों अब आपको लिख देंगे एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपका मेन मटेरियल दोस्तों अब यहां से स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, रिस्पेक्टेड सर कोमा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से देट, ठीक है, मैं बड़ी हम्बल और आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आई एम आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन यूवर स्कूल, मैं आपके स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र हूं, ठीक है, छात्र हूं। आई जो दोस्तों हमेशा कैपिटल आता है, ये बात याद रखना। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, मेरे पिताजी का ट्रांसफर भोपाल में हो गया है। आई एम गोइंग टू भोपाल विथ माय फादर, ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है, विथ यानी साथ में, गोइंग यानी जाना। आई विल स्टडी देयर, ठीक है, मैं वहां पर पढ़ाई करूंगा। विल का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, जहां पर भविष्य की बात की जाती है, विल, ठीक है, गा गेगी। सो आई एम कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, तो मैं यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ। काइंडली इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, विनम्रता पूर्वक मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदान करे एंड ओब्लिज मी, थैंकिंग यू सर, ठीक है, आपका धन्यवाद। ओबीडिएंटली का अर्थ होता है दोस्तों आपका आज्ञाकारी। नेम डाल देंगे दोस्तों, नेम दोस्तों आपको एप्लीकेशन से लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा दोस्तों आपको वही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया दोस्तों अंकित दुबे, दोस्तों आप सोच रहे हो दोस्तों कि क्या हम छात्र है दोस्तों, हम भी अंकित दुबे लिखेंगे। अरे नहीं रे मूर्खो, जो आपको दिया है, ठीक है, अंकिता दुबे, यहाँ पर आपको लिख देना है अंकिता दुबे क्लास 9th, ठीक है। आपको डेट डाल देनी है, डेट, कल आपका पेपर है, कल आपकी तारीख क्या है पेपर की, 8 फरवरी 2021। तो दोस्तों आप डाल लेंगे 8/2/2021, ठीक है। यदि दोस्तों मैं 7 तारीख डाल देता तो